देश में पिछले 24 घंटे में 2,927 लोगों का हुआ कोरोना, 2,252 लोग कोरोना से ठीक हुए, 32 लोगों की जान गई। अमेठी में सपा नेता की गुंडागर्दी सामने आई, दलित के कच्चे घर को बुलडोजर से गिराया, विरोध करने पर धमकी देने का आरोप। मेरठ में जागरण को लेकर बीजेपी नेता और इंस्पेक्टर सिविल लाइन आमने सामने, भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा और इंस्पेक्टर के बीच जमकर नोकझोंक। यूपी में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी, सिस्टम का नेटवर्क बनने से इमरजेंसी के मरीजों को मिलेगी राहत। मुजफ्फरनगर में मंदिर और मस्जिदों से हटाए गए लाउडस्पीकर, आवाज भी कम की गई, सीएम योगी के आदेश के बाद मंदिर और मस्जिदों की पहल। रुड़की के डांडा जलालपुर में हिंदू महापंचायत, आज प्रशासन ने महापंचायत करने की नहीं दी है कोई परमिशन। एबीपी गंगा की खबर का असर, बस्ती जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का पीएफ का पैसा गबन मामले में दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। गुंडा के कई ब्लॉकों में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, विकास कार्यों का पैसे की हेरफेर के बाद केस दर्ज। मऊ के कोपागंज इलाके में दो मंजिला घर में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से घर जलकर हुआ राख। आगरा में ताजमहल के पास कूड़े में आग लगी, तेजी से भड़कती आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया।